वही ग्वालियर पुलिस ने कॉल सेंटर के जरिए विदेशी नागरिकों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, माधवनगर स्थित एक होटल के कमरे में कॉल सेंटर संचालित हो रहा था। इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने छापामारी कर एक महिला सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी विदेशी नागरिकों को कॉल लगाकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फर्जी एजेंट बनकर ठगते थे। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। देखिए, माधवनगर क्षेत्र है, वहाँ से 8 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और बेसिकली जो उनके पास टेक्निकल इक्विपमेंट्स मिले हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग जो है साइबर फ्रॉड करते हैं और विशेषकर साइबर फ्रॉड में जो यूनाइटेड स्टेट है और यूनाइटेड किंगडम मतलब अमेरिका और जो ब्रिटेन के लोगों को उसका शिकार बनाते थे और बेसिकली इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि वे उनके अकाउंट्स वगैरह हैक करके इसके पश्चात जो है उनको कॉन्टेक्ट करते थे और विश्वास में ले लेते थे कि इन्होंने ट्रेस कर लिया कि हैकर्स वगैरह कौन हैं और उसके अतिरिक्त ये लोग वहाँ के जो निवासी हैं उनको जो लुभावनी गिफ्ट्स का भी ऑफर देते थे और इस कारण से मतलब कुछ जो व्यक्ति ऐसे रहते थे जो कि इनके बातचीत के तरीके से इम्प्रेस हो जाते थे तो वो लोग जो है इनके फ्रॉड में आज के मतलब जो है वो पेमेंट्स वगैरह कर देते थे ऑनलाइन। तो बेसिकली इन लोगों के जो मॉडस ऑपरेंडी है वो काफ़ी विकसित है और इसके विषय में जो जिला पुलिस बल है इसके अतिरिक्त क्राइम ब्रांच और हम लोग जो साइबर सेल का जो हमारा हेडक्वार्टर है उसकी भी मदद ले रहे हैं और पूरा इसकी जो एक प्रकार से मॉडस ऑपरेंडी है इसको पूरा स्टडी करके इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हम लोग करेंगे।